अब खबर जो है कानपुर से सामने आ रही, जहां पर एक 5 साल के बच्चे ने जज के सामने गुहार लगाई है, अनोखी गुहार लगाई है, जिसमें इस मासूम ने कहा है कि उसके स्कूल के पास एक ठेका है जहां पर उपद्रवी बहुत हुड़दंग मचाते हैं, जिसको लेकर पढ़ाई में बड़ी दिक्कत आती है। तो ये 5 साल का मासूम बच्चा इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर करने के लिए पहुंचा, जज के सामने जो उसने गुहार लगाई। तो बता दें आपको कि 5 साल के बच्चे ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई कि उसके स्कूल के पास शराब का ठेका है। ऐसे में वहां आए दिन शराबी सुबह से हुड़दंग मचाने लगते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। इस याचिका पर हाईकोर्ट सुनवाई करते हुए यूपी सरकार से 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। तो कानपुर में एक स्कूल में LKG में पढ़ने वाले इस बच्चे ने, एक अथर्व ने, अपने परिजनों की मदद से जनहित याचिका दाखिल की है। इसमें उसने बताया कि उसके स्कूल के पास ही शराब का ठेका है, जहां आए दिन शराबी हुड़दंग मचाते हैं, इसी वजह से पढ़ाई पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। मामले की सुनवाई में हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा है कि शराब के ठेके का नवीनीकरण हर साल कैसे होता जा रहा है। ये स्कूल कानपुर नगर में चिड़ियाघर के पास स्थित आजाद नगर मोहल्ले में है। 5 साल का अथर्व दीक्षित आजाद नगर इलाके में स्थित सेठ MR जयपुरिया स्कूल में LKG का छात्र है। स्कूल से महज 20 मीटर की दूरी पर शराब का ठेका है। नियम के मुताबिक सरकारी ठेका दिन में 10 बजे के बाद ही खुलना चाहिए, लेकिन अक्सर यहां सुबह 6-7 बजे से ही शराबियों का जमावड़ा लग जाता है। अथर्व के कहने पर उसके परिवार वालों ने कानपुर के अफसरों से लेकर यूपी सरकार तक कई बार शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। दलील दी गई कि यह स्कूल 2019 में खुला है, जबकि शराब का ठेका तकरीबन 30 साल पुराना है। इस पर अथर्व ने अपने परिवार वालों से मदद लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। मामले की सुनवाई जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की डिविजन बेंच में हुई। मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च को फ्रेश केस के तौर पर होगी। तो इस वक्त की खबर जो है कानपुर से सामने आ रही, जहां पर एक 5 साल के मासूम बच्चे ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। बच्चे का कहना है कि उसके स्कूल के पास एक ठेका है, जिसके चलते पढ़ाई में जो है बहुत प्रॉब्लम आ रही है, उसी को लेकर जो है जज के सामने इस 5 साल के बच्चे ने गुहार लगाई है।